A very good morning to all my dear students. How are you all? Today I am going to continue rest of the part of your chapter 1, The Ass Has No Brain. The fox flattered the ass, praising the fact that he was so wise and hardworking, and so he convinced the ass to go along with him. Flattered, falsely praised means झूठी तारीफ करना. Convinced is to make someone agree, किसी को मना लेना. As I yesterday told you, the fox met and fat ass as the prey of king lion. राजा के शिकार के लिए फॉक्स को एक मोटा सा ass मिला था. तो उसको the fox has falsely praised that ass and he told him that you are so wise and hard working and finally he convinced, finally उसने ass को मना लिया अपने साथ चलने के लिए. When they reached the lion's den, the poor ass's nerve failed him again and he refused to move forward. चले गए लेकिन फिर क्या हुआ. When they reached to the lion's den, लॉयन की गुफा के पास जब वो पहुँचे तो उस बेचारे, पुअर मीन्स यहाँ पर गरीब नहीं है, इट इज़ बेचारा, बेचारे एस के को बहुत ज़्यादा डर लग गया. नर्व फेल्ड, बहुत डरा, बहुत ज़्यादा डर गया. एंड ही रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे, और इसलिए उसने डर की वजह से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया, जाने के लिए मना कर दिया. देन वॉट हैपेंड, The fox informed the lion that his new chief minister was feeling shy. So fox was very clever. He told the king that your minister is very shy. वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो शर्मा रहा है. So the lion himself came forward. The poor ass ran for his life. और इसलिए राजा खुद बाहर आए, lion खुद सामने आए, and पुअर एस रन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जान बचा के भाग गया शेर को देखते ही. द लायन वॉज वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लॉयन को. द फॉक्स टोल्ड हिम टू बी पेशेंट एंड लीव इट टू हिम. नाउ फॉक्स टोल्ड टू द लायन दैट बी पेशेंट, धैर्य रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आई विल टेक केयर. The fox went back to the ass and told him that if the lion had wanted to kill him, he could easily have done so before. Fox वापस गया ass के पास and he told him that if lion wanted to kill him, means अगर lion उसको मारना चाहता तो वो आसानी से ये पहले ही कर चुका होता, उसी दिन मार दिया होता. He said that the lion had approached him to share some secret that he did not want the fox to here, and he said to the lion that he told to us that lion had approached him to share a secret, ek aisa secret usko batana chahte hain lion jo wo nahi chahte ki fox ko bhi pata lage. He wanted to meet him alone. He tempted the ass, telling him that he would be very powerful as the lion's second in command. और फिर उन्होंने एस को एक और temptation, tempted means लालच देना, लालच दिया कि आप lion के second in command means उसके minister हो जाओगे तो आप भी बहुत powerful हो जाओगे, लोग आपसे भी डरेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे. In this way, the fox managed to entice the ass to go back to the lion. Entice means tempt, फिर से वही लालच देना. Entice means लालच देना. तो इस तरीके की मीठी मीठी बातें करके fox made him agree to come with him again. फिर से उसको लेके गया. The lion welcomed them graciously. Graciously means politely, बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से उनका स्वागत किया. As the ass drew nearer, the lion pounced on him and killed him. और जैसे ही वो दोनों पास पहुँचे, lion
पाउंड्स मीन्स जम्प ऑन टू, तो वो एस के ऊपर जंप करके उसको मार डाला लॉयन ने। ही देन थैंक द फॉक्स। एज द लाइन सेट डाउन टू ईट, द फॉक्स सजेस्टेड दैट द लाइन टेक अ बाथ बिफोर हिज मील। आफ्टर किलिंग द एस, लॉयन थैंक्ड द फॉक्स, फॉक्स को थैंक यू बोला। एंड एज ही वॉज सिटिंग टू ईट इट, फॉक्स ने एक सजेशन दिया कि खाने से पहले यू हैव टू टेक अ बाथ, आप पहले नहा कराओ। द लायन थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया एंड वेंट ऑफ टू हैव अ बाथ। तो लॉयन को लगा कि अच्छा एक आइडिया है, चलो पहले नहा कर आ जाते हैं। ही इंस्ट्रक्टेड द फॉक्स टू वॉच ओवर द कैरकस ऑफ द एस, मीन्स कैरकस मीन्स डेड बॉडी ऑफ द एस। तो उसने कहा कि ठीक है, जब तक मैं नहा कर आता हूँ तब तक तुम इस डेड बॉडी को का ध्यान रखो। द फॉक्स ओबीडियंटली सेट डाउन टू कीप वॉच, बट द फॉक्स वॉज हंग्री एंड हिज माउथ वाटर्ड एज ही लुकड एट द एस जस्ट वेटिंग टू बी ईटन। फॉक्स बिल्कुल आज्ञाकारी बन के उस डेड बॉडी का ध्यान रखने लगा, बट ही वॉज ऑल्सो एंग्री हंग्री एंड हिज माउथ वॉज ऑल्सो वाटर। जैसे खाना देख कर, खाने की चीज़ें देख कर आपके मुँह में पानी आता है, ऐसे ही फॉक्स के मुँह में पानी आ रहा था। ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट सिंस ही हैड टेकन ऑल द ट्रबल टू ब्रिंग द एस टू द लॉयन, ही वॉज इंटाइटल्ड टू द बेस्ट पोर्शन ऑफ द मील, सो ही एट द एसेस ब्रेन। उसने अपने मन में सोचा, ही थॉट टू हिमसेल्फ मीन्स उसने अपने मन में सोचा कि क्योंकि उसने सारी परेशानी उठाई, उसने सारी मेहनत की एस को लॉयन के पास तक लाने के लिए, सो ही वॉज इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड मीन्स ही हैव राइट, कि उसका हक बनता है। इंटाइटल्ड टू द बेस्ट पोर्शन, पोर्शन मीन्स पार्ट, हिस्सा, कि उसका हक बनता है कि इस डेड बॉडी का जो सबसे अच्छा पार्ट है उसको वो खाए। इसलिए उसने क्या किया, सो ही एट द एसेस ब्रेन, इसलिए उसने एस का ब्रेन खा लिया। व्हेन द लायन रिटर्न्ड ही फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग अमिस, अमिस मीन्स मिसिंग। जब लायन वापस आया, ही सॉ द डेड बॉडी एंड ही फेल्ट कि कुछ चीज़ गायब है। द फॉक्स रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड गिवन द एस अ पावरफुल ब्लो ऑन हिज हेड। तो फॉक्स ने क्या कहा, उसको याद दिलाया कि आपने एस के सिर पे बहुत ज़ोर से मारा था। सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन द लायन सेटल्ड डाउन टू हिज मील। उसके एक्सप्लेनेशन से, उसके समझाने से लायन सेटिस्फाई हो गया और खाने बैठ गया। ही सून रियलाइज दैट द एस हैड नो ब्रेन। फिर उसको जैसे ही वो खाने लगा तो उसको पता लगा कि एस का ब्रेन ही नहीं है। ही द एस हैड नो ब्रेन, ही क्वेश्चन द फॉक्स अबाउट दिस। उन्होंने फॉक्सेस बारे में पूछा कि क्या हुआ, इसका ब्रेन कहाँ है। द फॉक्स रिप्लाइड, इफ द एस हैड अ ब्रेन ही वुड नेवर हैव रिटर्न विद मी टू मीट यू, कि अगर एस के पास दिमाग होता तो वो कभी भी मेरे साथ आपसे मिलने के लिए वापस नहीं आता। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड इन नेक्स्ट सेशन आई विल टेल यू आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल द एक्सरसाइजेस। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।